हेलो फ्रेंड्स, आप सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। सपोज ये क्वेश्चन है हमारे पास, लेट ई बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, लेट आई ए डिनोट द सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, देन आई ए कैन बी। ये हमारे पास है ऑप्शन है, एम्प्टी सिंगलटन आ फाइनाइट सेट ऑफ कंटेनिंग मोर देन वन एलिमेंट और काउंटेबल बट नॉट फाइनाइट। अब फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हो तो आप ट्राई कीजिए, और अगर आप सॉल्व नहीं कर सकते तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। बेसिकली पहले सबसे पहले हमें सिंगलटन जो सॉरी इंटीरियर पॉइंट है इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? पी बिलोंग्स टू एस सबसेट ऑफ आर, कोई भी एस सेट है उसका पॉइंट पी एक कॉल्ड एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। पी बिलोंग्स टू एस सबसेट ऑफ आर कॉल्ड एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस इफ फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन इट्स सबसेट ऑफ एस, यानी इसका जो नेबरहुड है पी का, पी के लिए कोई एक नेबरहुड हमें ऐसा मिल जाना चाहिए कि वो नेबरहुड एस में कंटेन करे। तो उस कंडीशन हम कहेंगे कि जो पी जो पॉइंट है वो एस का एक इंटीरियर पॉइंट है, अदरवाइज जो पॉइंट है वो एक्सटीरियर पॉइंट है। फ्रेंड्स, ये हमारे पास हो गया डेफिनेशन इसकी। अब फ्रेंड्स हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट जेड एक सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स। फ्रेंड्स जो सेट जो जेड है सेट ऑफ इंटीजर, अगर हम देखें तो यहां पर कंपेयर करें ए बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। अब जेड है या इसको हम दे देते कह देते हैं ए, तो ये ए है, और जो इंटीजर्स का सेट होता है वो सबसेट ऑफ आर होता है, ये सब जानते हैं। तो यहां से ए सबसेट ऑफ आर। अब बट इसका कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि अगर सपोज कि हम यहां पे कोई ये पॉइंट लेट ए बिलोंग्स टू जेड, ए बिलोंग्स टू जेड कोई पॉइंट है इसका, तो उस कंडीशन में ए माइनस एप्सिलॉन एंड ए प्लस एप्सिलॉन और ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन, उसके हम जो नेबरहुड की बात करें तो, क्योंकि सेट जो है इंटीजर्स पॉइंट क्या कहते हैं हमारे पास, यानी एक दो तीन सॉरी माइनस एक माइनस सॉरी माइनस दो माइनस एक जीरो एक दो, इस तरह के ये सेट है। अब अगर देखें तो सपोज यहां पे हम कर रहे हैं वन पे, तो वन माइनस जीरो पॉइंट फाइव, वन माइनस जीरो पॉइंट फाइव एप्सिलॉन को जीरो पॉइंट फाइव ले लेते हैं, तो वन माइनस जीरो पॉइंट फाइव तो यानी जीरो पॉइंट फाइव से हुआ जीरो पॉइंट फाइव एंड वन पॉइंट फाइव ये सेट। अगर ये सेट में सिर्फ एक ही पॉइंट मिल रहा है वन, वन जो पॉइंट है वही इसमें है, बाकी जो सब पॉइंट है इससे बाहर जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट है इसका सबसेट नहीं है। तो यार इसका एक भी हमारे पास पॉइंट नहीं मिल रहा है जो कि इंटीरियर पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट से इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो ये है आई ए जो है एम्प्टी सेट है, तो आई ए जो है एम्प्टी सेट है। अगर फिर एक पॉइंट को हमारे पास ऐसा सेट लेते हैं हम जिसमें एक पॉइंट मिल जाता, तो फिर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट मिल जाता, तो उस कंडीशन में हमारे पास अगर यहाँ पे ये कह देता इस कंडीशन में इसी क्वेश्चन में, अगर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट है, आई ए का एक पॉइंट जो है इंटीरियर पॉइंट है एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में सपोज ए पॉइंट जो है वो इंटीरियर एग्जिस्ट कर रहा होता, अगर क्वेश्चन में दे देता इस बात को, तो ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन इसके नेबरहुड भी इसमें कंटेन करता आई ए में, तो उस कंडीशन में इस नेबरहुड का हर पॉइंट जो होता, इस नेबरहुड में बहुत सारे पॉइंट होते फ्रेंड्स, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, वो सारे पॉइंट भी इसी आई ए में कंटेन कर रहे होते, उनका भी नेबरहुड है। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि अगर एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, एक पॉइंट आई ए नॉन एम्प्टी है, अगर क्वेश्चन में रहता आई ए नॉन एम्प्टी है, तो उस कंडीशन में आई ए में जो टोटल नंबर ऑफ होते वो अनकाउंटेबल हो जाते, इनफाइनाइटली हो जाते, इनफाइनाइट हो जाते, तो उस कंडीशन हम कहते हैं कि इनफाइनाइट है। बट यहाँ पे ये आई ए दिया है कि आई ए क्या हो सकता है, और यहाँ पे कहीं भी
हमारे पास इनफाइनाइट का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ से कहिए आई के जो है वो एम्प्टी हो सकता है, तो इस तरह से एम्प्टी वाला ऑप्शन करेक्ट है। फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।